अच्छा, एक सवाल जो मैं हमेशा मैं करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे, पर्सनली यू वुड अग्री, दे हैव पीआर्स एंड दे इन्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया फॉर देयर पब्लिसिटी एज वेल। अच्छा, फिर लोग इन रहने के लिए जतन करते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, अपना कर लिया। आप जनाब ऐसे ऐसे गाने देते हैं, फिर बीच में एक गैप लिया, फिर वापस गाना, फिर गैप, ये क्या है? मतलब ये कोई खुद डिलिब्रेट है या ऐसे बस हो जाता है ये? मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं एक बड़ा स्पॉइल्ड ब्रैड बच्चा था। ये शायद थोड़ा बहुत इसने देखी है, वो झलक मैंने देखा है बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं। अच्छा। मैं अपने घर की आप बात बताऊं कि अब्बा ने मुझे 2 साल कमरे से वाकई बाहर नहीं निकलने दिया कि फोन बंद तो ये चीज बंद तो बाहर जाना दोस्तों से मिलना। जब गाने हिट हुए तब, एक बार कहो से कोई 6 महीने पहले की बात है, कि उन्होंने क्या कि तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो जानवर हो, तुम कौन हो, तुम इस टाइप की बात होती थी कि तुम तो ना घर का पता, ना कुछ, ना घर आना। और ये हो गया था कि मैं हाफ माई लाइफ वॉज डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड्स, यू नो, और ये कि बस शाम हुई निकल गए तो 2 दिन नहीं आ रहे, 1 दिन नहीं आ रहे, इस तरह वो जो टिपिकल मतलब बॉयज करते हैं सारे। बट आई थिंक माई फादर saw the time way before it, you know? मुझे लगता था कि उनको ये पता था कि इसको इस टाइम पे आके मैंने इसको स्लॉट में बंद करना है, इसको इस प्रोसेस से गुजारना है, उस प्रोसेस से गुजारना है। और वो प्रोसेस ये था कि लिटरली दो माई फादर वॉज वेरी सोशली एक्टिव, मगर मैंने बड़े लोगों के कमरों के चक्कर लगाए, बड़े वो सारा प्रोसेस। अब्बा किसी को फोन ही नहीं करते थे कि बस जाओ अपना वो जो भी तुम्हारा सामान ले जाओ, सामान लेकर जाओ और सुनाओ, और बस जाके सुनाओ किसी को, रेडियो स्टेशन जाओ, यहाँ जाओ। और मैं रेडियो स्टेशन के बहाने कभी किसी के यहाँ डिफेंस के अंदर किसी दोस्त के घर बैठ गया तो उधर बैठ गया, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ये वो। तो वो बिल्टअप का प्रोसीजर था सर मेरे पास। एक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट मोमेंट के एक FX थी मेरे पास जमाने में, जो कि मैं जब रोड पे निकलता था वो धुआं अंदर ही छोड़ती थी गाड़ी मतलब कि ये गाड़ी चल रही है, धुआं आ रहा है बाहर, या एक खिड़की से ना मुंह निकाल के गाड़ी चला रहे और लिटरली पब्लिक लानते दे रही है लाना। And then I remember a time you had this really nice car, dude. I don't know which one it was, but it was just really nice. फिर एक Honda Accord, एक Honda Accord ली, उसकी छत जो थी ना वो खराब थी, तो बारिशें होती थी तो ऐसे ही बात एयरफुल Cadillac हुई हुई थी उसकी सनरूफ खराब। तो I went through these are the struggling days. Exactly. Yeah. You went through that, which is brilliant, which yeah. is amazing. It's necessary, actually. I think everyone जिसको किसी जगह पे पहुंचना है उसको इस इन चीजों के थ्रू गुजरना चाहिए। पैम्पर्ड आपको हर चीज मिल गई। आपके सवाल का जवाब कि वो जो आप कहते हो ना कि ये क्या है, why aren't you consistent with your work? I believe in my product, I believe in my merit. कि मेरा अगर मेरी अगर मेरिट के अंदर पोटेंशियल नहीं है ना, और मेरी मेरिट के अंदर वेट नहीं है ना, तो मैं कुछ लाख जतन कर लूं, मेरा एक बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड रहेगा इस मार्केट के अंदर, बिकॉज एनीबडी कैन कम द नेक्स्ट डे एंड वाइप मी आउट, यू नो। बट इफ माई ability, your skill. Yeah, my skill has weight and I have worked hard for it and I have taken my time, not rushed into things and stuff like that. So I can at least go further than Fine. the rest yeah. of the people, Fine. you know. और फिर ये ऐसा फन है जिसकी कोई लिमिट तो है नहीं, है नहीं, और हमेशा चलता रहता है। कोलैबोरेशंस करो, ये करते रहो, वो करते रहो। अब जमाना तो आपको पता है, रिसेशन आ गया तो ये डाउन हो गया तो वो डाउन हो गया, तो हम लोग तो चले जा रहे हैं बस। आज माशाल्लाह इट्स 20 years that COVID got released. मैंने तो बाद में मुझे किसी ने सुनाया है। आप कब से गा रहे हैं ये बताएं? ये बचपन से गा रहा है। आई थिंक ये 4 years old, फोर और फाइव, इसको ज्यादा पता है, मुझे पता है। अच्छा, आप 4 साल की उम्र से गा रहे हैं? सब सही है, जबरदस्त। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यू गाइज, ऑल ऑफ यू, यूर जो टैलेंट है ना, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है, और उसकी कदर करना हम पे बिल्कुल लाजमी हो जाता है। तो ये हमें एक दूसरे की वैल्यू करना, प्यार करना, एक दूसरे से अच्छी तरह बिहेव करना, इज्जत देना बहुत लाजमी है। सही है। अच्छा, एक्टिंग में क्या हो रहा है फरियाल, ये बताओ। फरियाल फौरन ये होगी कि हाँ यार इज्जत दिया करो, बहुत जरूरी है इज्जत देना। मुझे क्यों देखे कह रही, मैं तो इज्जत देता हूँ यार। नहीं, क्योंकि मैं बस अग्री कर रही हूँ ना। यार टैटूज, यार नए नए टैटूज, क्या 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 क्या
ऐसा नहीं हो सकता बॉस, बहुत कर दिया इतना, बस ज्यादा ऊपर नहीं चले जाना, ये ना कहा वो आ गया, वो दिख रहा, ओए क्या बात है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे, व्हाट इज दैट, अच्छा इनके ट्राइबल आर्ट नहीं, इनका इनका कोई मीनिंग है टैटू से, मीनिंग ये कि बस इंसान के बच्चे बन जाओ, ये सब चीजें ना करवा, बस यही मीनिंग है, डिड इट वर्क, जोश में आके करवा दिया, अक्सर जो लोग टैटूज कराते हैं उनका कोई मतलब होता है कि वो टैटू क्यों कराएं, बिल्कुल ये तो सामने नजर आ रहा है, ये तो शायद पुराना है, ये पुराना है, ये कुछ नया भी एडिशन हुआ इधर, ये दिस वन सेज ब्रीद, इट सेज व्हाट, ब्रीद ब्रीद यानी सांस लो, सांस लो, हां तो सांस की रोक रहा था जो लेना शुरू किया, नहीं ये बस ये एक तरह से इट्स अ रिमाइंडर ऑफ जस्ट ब्रीदिंग, या टेक इट इजी, प्रॉब्लम्स यू नो समटाइम्स एज पीपल वी टेंड टू जस्ट फॉरगेट टू ब्रीद थ्रू प्रॉब्लम्स और एनीथिंग, सो ब्रीद, ठीक है, प्रॉब्लम कोई नाम आप तो तुमने कहीं नहीं लिखवाया ना, क्या चीज, नाम वाम तो नहीं लिखवाया ना, नाम के मसले अगर लिखवाया तो मिटवाना पड़े, सबसे टेरिबल बात है, नाम या शक्ल किसी की करवा रहे हो किसी की शक्ल ना, भाई यार और उससे जान छोड़ दो शक्ल को, हां और नाम लिखो तो उसको मिटवाना पड़ता है, नहीं मिटवाना क्या, बस उसकी जिंदगी में बर्बाद है, अच्छा और क्या, ये भी है, क्या है ये, भाई दैट सेज नो रेन नो फ्लावर्स, नो रेन नो फ्लावर्स, ठीक है ठीक है, बारिश होना जरूरी है किसी भी चीज के खिलने के लिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, there's another one over here, ओए होए 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 होए, it's a warrior tattoo, ये तो tattoo girl बन गई, हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ पूरे show करते हैं, पर अच्छा इस tattoo का मतलब बताइएगा क्या, warrior, it's a warrior tattoo, each strand represents you know a warrior, यार मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही, नहीं please बताओ, यार मैं enjoy, ये चिड़िया कितनी है आपके हाथ, ये चिड़िया कितनी है, और क्यों है, क्यों है, और क्यों है, कहाँ से आ रही, मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये actually यहाँ तक चाहिए थी, oh my god, अच्छा बस आप जैसा कोई, ये तो बहुत आसान है, मैं तेरे संग कैसे कुछ नूर जहाँ टाइप करते हैं, मोहम्मद रफी नूर जहाँ आइए, अच्छा हम नूर जहाँ का अहमद से सुनते साथ भाई, तुम गाओगी तो साथ करते हैं प्लीज, मैं हल्का हल्का आप, हाँ ठीक है, ये हल्का कर दूंगी, मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं गा सकती, आई कैन नॉट सिंग विद यू, आई वांट टू हियर यू सिंग, यू आई नो दैट यू कैन सिंग, यू आर गोइंग टू बी सो डिसअपॉइंटेड, नो गेस, डोंट लाई, सवाल ही नहीं, आई एम नॉट लाइंग, आई कांट सिंग, ब्रिंग इट आउट, ब्रिंग इट आउट, ओह माय गॉड, इट्स नॉट गोना बी अ रिक्वेस्ट अगेन, अच्छा अगर बोंडा भी तो कोई मसला नहीं, सेड कि ही डोंट सिंग, वो का होगी कोई बहुत बुरा होगा यार, मेरे जैसा बंदा अगर कुछ गा ले तो फिर तुम बिल्कुल ही, माइक शेक का कोई, लेकिन इनके साथ क्यों, कम ऑन यार, यार शो नहीं आगे बढ़ेगा, इतने बड़े सिंगर ने बोला है, इतने बड़े सिंगर बोल रहे हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ खुदा का वास्ता है ऐसा ना, मैं तुम्हारी तरीके से गाऊंगा, तुम टेंशन नहीं लो, मैंने कोई जगह नहीं लगा दी, क्या मतलब है, जिस तरह तुम गाओगे ऐसे ही, किसी ने रोका हुआ है गाना, काश मैं अपनी अम्मी को ले आती पीछे से उन्हें बुलवाती और मैं आगे से लिप सिंक कर लेती, किसी ने रोका, फेवरेट गाना, हां कोई भी, व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट हम, कोई आसान सा गाना, कोई भी, लाइक कम ऑन, पाकिस्तानी गाना, या पाकिस्तानी, anything yaar mujhe aaj jaane khuda ka yaar ye kya mic hai mic ka show aage badhte hi ladki gaana nahi suna rahi hai acha mujhe mic de do mic de na udhar kya karunga ye wo gawa ke rahenge mujhse kya karna wo ye karenge kya main gaungi aur phir kya karenge please just watch ha please